उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल रो यही यूवीएम सृजन यूट्यूब क्लास को समस्त को पुणि थरे स्वागत जनाउछि। आमे आज गणित खेल बहीर अष्टम पाठ पाठटीर ना हेला फेणाण करिबा। तो चलो प्रथमे दुईटी संख्या को नहीं फेणाण करिबा। तुम्हें माने प्रथम श्रेणी रु फेणाण करिबा प्रक्रिया जानि सारिछ जानिछ ना नहीं? तो आसो एबे दुईटी संख्या को नहीं आमे फेणाण करिबा। प्रथमे मु गोटिए संख्या लेखुची, ये संख्या टी केते 17। तापुरे आ गोटे संख्या नौछि, ये संख्या टी केते 5। तो आमे जानिछु देखो पिला माने 17 समान केते दश केते एक हुए 1 10 7 1 हुए बोली आमे जानिछु कि नहीं? सही भली देख 5 ए संख्याटी 5 5 रे गोटी अंक अच्छे कि नहीं? तो एठारे केते हे 5 1 बुझी हला? तो एबे आस यही दुईटी संख्या को स्तंभ रे सजाई फेणाण करिबा। तो यही भली स्तंभ टीए तुम्हें तैयारी करिबो, तुम्हें सीखीछ कि नहीं जानिछ? ये पटे लिखिबा देख डाहाण पटे आमे एकक, एटा एकक घरर स्थान मान। तापरे बाम पट दशक लिखि थाओ, ए दशक घरर स्थान मान एपटे दशक घरर स्थान एटा। तो प्रथमे आमे ए 17 को ए घरे सजाई लिखि देबा। तो एक दश को आमे दशक घर तले लिखिबा 1 10 7 1 को एकक घरे लिखिबा। तो यहाँ पर देख एटा 5 अछि, 5 को आमे 5 1 5 1 अछि, तो एकक घरे लिखिबा 5 1। तापुरे एमिति गोटिए सीधागार टाणी कौन करू? तापुरे एठारे फेणाण चिन्ह दौ दौ कि नहीं? एठारे गोटिए फेणाण चिन्ह रही गले आमे जानिबा एटा आम कौन करिबा को पड़िबो, फेणाण करिबा को पड़िबो। तो देखो एबे आमे प्रथमे कौन करिबा, एकक घर अंकर फेणाण करू। प्रथमे करू कि नहीं? प्रथमे एकक घर अंकर फेणाण करू। तो देख ए 17 रो एकक घरे केते अछि? 7 अछि। ओ फेड़ा जाउथिबा संख्यार फेड़ा जाउथिबा संख्या 5 अछि, एटा देख फेड़ा जाउथिबा संख्यार एकक घरे केते अछि? 5 अछि। तो एठारे 7 रु 5 गले केते बळिबो? 7 रु 5 गले 2 बळिबो। तो एठारे देख पिला माने आमे प्रथमे एकक घरर अंकर फेणाण करदेला।
तो एबे आस दशक घर अंकर वियोग करिबा। प्रथमे एकक घर अंक वियोग करू, तापरे दशक घर अंकर वियोग करू। तो एठारे देख सतर को देख, सतर रो दशक घरे केते अच्छी, एक अच्छी, आउ एई पांचर दशक घरे किछि नाही, एठारे किछि नाही। तेणु सतर रो दशक घरे, सतर रो दशक घरे थिबा जो एक अच्छी, एई अंकरु आमे किछि फेड़ी पारिबा नाही। देख ए पांचर दशक घरे किछि नाही, जदि एठारे थांता अंक थांता तेबे आमे फेड़ी पारि थांता। तो देख एठारे किछि नाही, तेणु फेड़ी पारिबा नाही। ए एक को आमे ओल्हाइ देबा, तेणु आमे एक को ओल्हाइ देला। तो फेड़ाण फल केते हला ए दशक घरर, एक। तापुर देख सतर, सतर रु पांच फेड़ी देलापुर आम के पाइला यार फेड़ाण फल, एक दस दुई एक समान केते बार, बार पाइला कि नहीं। एठार फेड़ाण फल केते हला बार, आम फेड़ाण कला बेले ए भली भाव आम फेड़ाण करी थाउ। एबे आस पुणी दुईटी संख्या को नहीं आम फेड़ाण करिबा। तो देख मु दुईटी संख्या नेउछि, प्रथम संख्याटी हला तीन दस दुई बतीस, तापरे आ गोटे संख्या नौछि मु एक दस पाँच पंदर। गोटे हला बतीस, गोटे हला पंदर। बतीस को आमे तीन दस दुई एक बोली कही था कि नहीं, कहीं बतीस एक घरे दुई अच्छी, तेणु दुई एक हला। आओ बतीस दस घरे तीन अच्छी, तेणु आमे तीन दस बोली लिखि था कि नहीं। तो से ही भली देख ए पंदर, पंदर को आमे एक दस पांच एक बोली लिखि था कि नहीं, लिखि था कहीं। देख एकक घर अंक पांच, तेणु पांच एक हला। ए पंद्रह दशक घर अंक एक, तेणु एक दस हला। तो ये दुईट संख्या को आम स्तंभ में सजाई लिखिदे, ठीक यही भली ए पटे लिखिदे एकक, बाम पटे लिखिदे दशक। तो प्रथम संख्याटी केते बतीस, तो आम दशक घरे तीन को लिखिदे एक घरे दुई, बतीस है कि नहीं। तो से भली देख ए पंदर को एक घरे दशक घरे एक लिखिदे ओ एक घरे पांच पंदर है कि नहीं। बाम पटे वियोग चिन्ह देदे बा फेड़ाण चिन्ह। तो एबे देखो पिला माने
आमे देख फेणाण कौ घर आरंभ करू एकक घर एकक घर अंगर फेणाण प्रथम कर तो यही दुई संख्या को लक्ष्य कर बतीस एकक घरे केते अच्छी दुई अच्छी आओ फेड़ा जाऊथिबा संख्या पंदर पंदर एकक घरे केते अच्छी पांच अच्छी तो देख पिला माने दुई रु पांच फेड़ी पारिबा नहीं दुई रु पांच फेड़ी पारिबा नहीं तेबे कौन करिबा आमे दुई रु पांच तो फेड़ी पारिबानी तेबे आमे दशक घरु एई दशक घरु एक दश धार आणिबा कौ घर को एई एकक घर को एई दशक घरु एक दश धार आणिबा एई एकक घर को बुझी हला देख पिला माने एई दशक घरु एक दश जदि धार आणिबा एई एकक घर को तो एक दश समान केते एक हुए एक दश समान दस एक हेब दस एक आउ एटा अच्छी दुई एक दस एक दुई एक मिसीगले केते हेब बार एक तो एबे देख एठारे आमे केते पाइलु बार एक मु दुई को काटी एठारे बार लिखि दौचे हाँ तो एठारे एक दश तो धार नहीं आनीछु एकक घर को तो एठारे तीन न रही तीन दश न हो केते दश हेब दुई दश हेब कि नहीं एक दश तो आमे धार नहीं जाइछु ए घर को बुझी हला तो एठारे केते एक अच्छी बार एक बार एक रु पांच एक आम फेड़ीदे प्रथम एकक घर अंक मान फेणाण करू कि नहीं तो बार रु पांच गले केते हेबो बार रु पांच गले सात तो पिला माने देख गोटे सहज उपाय बताऊँ मु ऊपर अच्छी बार देख बार अच्छी बार रु पांच फेणाण कला बेले आम पांच अंक को छाड़ी दबा पांच पर आम गणी दबा छ सात आठ नौ दस एगार बार पांच पर बार जाए गणी दबा जेतिक हला तार फेणाण फल हेब बुझी हला तो एठारे बार रु पांच गला केते हेब सात एबे तो गला एटा एकक घर अंकर फेणाण सरीगला एबे दशक घर अंकर फेणाण करिबा तो दशक घर उपरे केते अच्छी दुई अच्छी दुई रु एक देख एबे ए तले दशक घरे देख जो फेड़ा जाउथिबा संख्यार पंदर फेड़ा जाउथिबा संख्या पंदर पंदर दशक घरे एक अच्छी उपरे दुई अच्छी आमे एक दश धार नहीं गलु एपटे तो दुई दुई दश रहिला कि नाही दुई रु एक गले केते हेब दुई रु एक गले एक तो फेणाण फल केते हेला सतर तो पिला माने जानी पारिलो एबे देखो बतीस तीनी तीनी दस दुई बतीस बतीस रु पंद्र गले केते हेब सतर तो यार फेणाण फल केते हेला सतर बतीस रु आमे
पंदर फेड़ी देलापुर फेड़ाण फल के पाइला सतर। तो यही तुम्हें कर देख यू को आम वियोग करवा। तो प्रथम ये संख्या दुईटी को देख ये केते लिखाई तेपन फेड़ा जाउथिबा संख्याटी केते चौद। तो देख तेपन एक घर अंक केते तीनी ओ फेड़ा जाउथिबा जो संख्या चौद अच्छी चौद एक घर अंक चारि। तो देख ऊपरे तीनी अच्छी तले चारि अच्छी तीन रु चारि आम फेड़ी पारिबा नहीं फेड़ी पारिबा नहीं तेबे कौन करिबा पाई कही थी मु दशक घर आम एक दस एकक घर को धार आणवा। तो दशक घरे तेपन दशक घरे के अच्छी देख पांच अच्छी तो पांच रु एक दस धार आणले एकक घर को एठार के चारि एठारे एक दस धार आणले एकक घर र अंक जो अच्छी सेटा केते हे जीवो एक दस धार आणले एक दस समान दस एक हुए कि नहीं देख एक दस समान दस एक हुए एक दस धार आणीछु एक घर को। तो देख एक दस दस एक हैला दस एक रे एई तीन एक को आम मिसे दबा तो केते एक हेबो तेर एक बुझी पारिल ए घर एक दस धार आणले से धार आनी अंक दस एक हैला दस एक तीन एक मिसे दबा मिसीगलापुर एठारे केते हैला तेर। एबे देख तेर रु चारि वियोग करदे एबे फेड़ा जाउथिबा संख्यार एक घर अंक केते चारि। तो आमे चारि परे तेर जाए गणी देबा चारि को छाड़ी चारि परे केते आसे पांच छ सात आठ नौ दस एगार बार तेर। तो केते हला एटा पांच एटा चारि पांच चारि न तो एठारे केते हेबो न ए भली कले आमे सुविधा रे करी पारिबा। देख पिला माने एकक घर अंकर फेणाण सरिला तो एबे आमे दशक घर अंकर वियोग करिबा। एबे देख एई तेपन र दशक घरे केते अछि पांच। तो आमे एई पांच दस रु पूर्वरु एक दस को एक घर को निया जाइथिला कि नाही एक दस को आम एक घर को आनीलु। तो एठारे एबे बलका केते रहिला चारि दस। तो एबे कह एठारे चारि दस बा चारि दस घर केते अछि चारि। तो चारि रु आम केते वियोग करिबा ए तल अंक को देख ए चौद दशक घरे केते अछि एक। तो आमको एबे चारि रु एक वियोग कर देबा चारि रु एक वियोग कले केते हेबो तीन। तो वियोग फल केते पाइला आमे उनचालीस तेपन रु
चौद गले वियोग फल केते हेबो उनचालीस। तो एबे देख यही संख्या को ऊपर केते अछि तीस तले केते अछि तेईस। यही तीस को केते रे फेड़िबा तेईस रे। तो चलो एबे एक एकक घर अंकर फेणाण करिबा। प्रथमे तो देख तीस एक घर अंक शून अच्छी आउ तेईस एक घर अंक तीन अच्छी। तो शून रु तीन आम काटि पारिबानी बा फेड़ी पारिबानी। तो कौन करिबा एई दशक घर रु एक दस आम धार आणवा। जदि एक दस धार आणले एठार केते एक हेब दस एक हेब। तो दस एक रु आम तीन एक काटिदे। दस एक रु तीन एक गले केते हेब तीन को छाड़ी तापर दस जाए गणि दियो केते पाइबा। तीन को छाड़ी देला परे तीन परे चार पांच छ सात आठ नौ दस केते हला। एपटे पांच एपटे दुई पांच दुई सात सात पाइलो। दस रु तीन गले केते बळिबो सात। तो एकक घर अंक मानकर फेणाण फल केते हला सात। एबे दशक घर अंकर वियोग करिबा। तो देख पिला माने एही तीस रो दशक घरे थिबा तीन तीन दस रु एक दस को एकक घर एक एकक घर को निया जाइथिला। तो एठारे एबे केते दस रहिबो दुई दस। एठारे केते रहिबो दुई। तो दुई रु दुई गले केते हुए फेड़ा जाउथिबा संख्यार दशक घरे भी दुई अछि। देखो एठारे एक दस तो धार नहीं जाइछु। तो एठारे केते रहिबो दुई। तो दुई रु दुई गले केते बळिबो दुई रु दुई गले आ बळिबनी। तेणु आमे शून लिखि देबा। तो जानि पारिलो तीस रु तेईस गले वियोग फल केते पाइबा सात। बुझी हला एई बोली भाबरे तुमे करिबो। एबे एई संख्याटी को देख ऊपर केते अछि तेसठी। फेड़ा जाउथिबा संख्याटी केते पचास। तेसठी रो एकक घर अंक तीन ओ फेड़ा जाउथिबा एई पचास रो एकक घर अंक केते शून। तो देख तीन रु शून गले केते हुए तीन रु शून गले तीन हुए। मने रखित जे कोनोसी संख्या रु आमे शून वियोग कले सही संख्या हुए। जे भली एठारे तीन तीन रु आमे शून वियोग कर देले केते हला तीन। तो मने रखि थाओ जे कोनोसी संख्या रु आमे शून वियोग कले वियोग फल सही संख्या ही हेबो। जेउ संख्या रु आमे शून वियोग करिबा सही संख्या हेबो। तो एठारे मने रहिला। तो एबे आस एटा एकक घर अंक रो फेणाण तो सरीगला। एबे आस दशक घर रो
ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଫେଣାଣ କରିବା। 63 ର ଦଶକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 6। ଏଇ ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରେ 5 ଅଛି, ତ ଆମେ 6ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେବ? 6ରୁ 5, 6ରୁ 5 ଗଲେ 1। ତ ବିୟୋଗ ଫଳ ଏଠାରେ କେତେ ପାଇଲା? 13। 63ରୁ 50 ଗଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ହେବ? 13। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ଉପରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଫେଣାଣ କଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଫେଣାଣ କରିଥାଉ, ତାପରେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର, ତାପରେ ଶତକ ଘରର। ସବୁବେଳେ ଦେଖ, ଡାହାଣ ପଟୁ ଆମେ ଫେଣାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଉପରେ କେତେ ଅଛି? 503। ଆଉ ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି? 12। ତ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଫେଣାଣ କରିଦେବା। ଉପରେ କେତେ ଅଛି? ଏକକ ଘରେ 3। ତଳେ କେତେ ଅଛି? 2। 3ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ହେବ? 1। ତ ଦେଖ, ଏବେ ଦଶକ ଘରେ 0 ଅଛି, ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରେ 1 ଅଛି। 0ରୁ 1 ଆମେ କାଟିପାରିବାନି, ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠାରେ, ଏଇ ଶତକ ଘରୁ ଆମେ ଧାର ଆଣିବା। ଏଇ ଶତକ ଘରୁ 1-10 ଧାର ଆଣିବା ଦଶକ ଘରକୁ, ତ ଏଠାରେ କେତେ ହେବ? 10 ହୋଇଯିବ, 10 ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି 10 ହେବ? ଏଠାରେ 0 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ। 1-10 ସମାନ 10 ହୁଏ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ, 1-10 ଧାର ଆଣିଲେ ଏଠାରେ ହେବ 10। 10ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେବ? 9। ଏବେ କହ, ଏଠାରେ ଶତକ ଘରର 4 ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଶତକ ଘରେ 5 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1-10 ଧାର ନେଲା ପରେ ଏଠାରେ 4 ହେବ। ତ ଆମେ ତା ତଳେ ଆଉ ଅଙ୍କ ନାହିଁ, ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଘରେ ଆଉ ଅଙ୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସିଧା ଓହ୍ଲାଇଦେବା, ଏଠାରେ 4। ତ କେତେ ହେଲା ବିୟୋଗ ଫଳ? କେତେ ହେଲା? 491। ଦେଖ, 503ରୁ ଆମେ କେତେ ଫେଣାଣ କଲା? 12। ତ ଫେଣାଣ ଫଳ କେତେ ହେଲା? ଫେଣାଣ ଫଳ ବା ବିୟୋଗ ଫଳ 491। ତ ଏଇଭଳି ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଫେଣାଣ ଫଳ ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖ, ଉପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 348। ଆଉ ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 45। ଉପରେ 3 ଅଙ୍କ 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତଳେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଇଟା 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଆଉ ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଥିରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। 45 ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏବେ ଆସ, ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଫେଣାଣ କରିବା। ତ ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 8। ଫେଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି, ତ 8ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେବ? 8ରୁ 5 ଗଲେ 3।
ଏବେ ଦେଖ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କମାନ ଉପରେ ବି ଚାରି ଅଛି ତଳେ ବି ଚାରି ଅଛି ତ ଚାରିରୁ ଚାରି ଗଲେ କେତେ ହୁଏ ଚାରିରୁ ଚାରି ଗଲେ ଶୂନ ହୁଏ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଶତକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖ ଏ ତିନିଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶର ଶତକ ଘରେ କେତେ ଅଛି ତିନି ଆଉ ଫେଡ଼ାଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇ ତିନିକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଓହ୍ଲାଇଦେବା ବୁଝିହେଲା ଏଇଭଳି ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ ବାହାର କରିଥାଉ ଫେଡ଼ାଣ ଫଲ ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ ଉପରେ ବି ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ତଳେ ବି ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟର ତିନିରୁ ଆଠ କାଟିପାରିବାନି ତ ଆମେ ଧାର ନେବା ଦଶକ ଘରୁ ଧାର ନେଲେ ଏଠାରେ କେତେ ହେବ ଏକ ଦଶ ଧାର ନେଲେ ଏଠାରେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଏକ ଦଶ ସମାନ ଏକ ଦଶ ସମାନ ଦଶ ଏକ ତ ଏଠାରେ ଏକ ଦଶ ଧାର ଆସିଲେ ଏକ ଘରେ କେତେ ଏକ ହେଇଯିବ ଦଶ ଏକ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆଗରୁ ତିନି ଏକ ଅଛି ସେଇ ଦଶ ଏକରେ ତିନି ଏକକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତେର ଏକ ହେବ ହେବ କି ନାହିଁ ଏଠାରେ ତେର ହେଇଯିବ ତ ତେରରୁ ଆଠ ଗଲେ କେତେ ହେବ ତେରରୁ ଆଠ ଗଲେ ତମେ ମନେ ମନେ ହିସାବ କରି ଫେଣାଣ କରିବା ଶିଖିବ ମନେ ମନେ ହିସାବ କରି ଫେଣାଣ କଲେ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଦେଖ ତେରରୁ ଆଠ ଗଲେ କେତେ ହୁଏ ପାଞ୍ଚ ଏବେ ଏଠାରେ କେତେ ଅଛି ଏକ ଦଶକୁ ଧାର ନେଇଯାଇଛୁ ତେବେ ଏଠାରେ କେତେ ରହିବ ଛଅ ଦଶ ବା ଛଅ ରହିବ ଏଠାରେ ଛଅ ଛଅରୁ ଶୂନ ଗଲେ କେତେ ହେବ ଛଅରୁ ଶୂନ ଗଲେ ଛଅ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ଶୂନ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଲ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହୁଏ ବୋଲି ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ତିନିରୁ ଶୂନ ଗଲେ ତିନି ବାହାର କରିଥିଲା ଆଗରୁ ତ ଏଠାରେ ଛଅ ଅଛି ଛଅରୁ ଶୂନ ଗଲେ ବି ଛଅ ହେବ ତ ଏବେ ଦେଖ ଶତକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ତଳେ କେତେ ଅଛି ଫେଡ଼ାଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଘରେ ଏକ ଅଛି ଓ ଉପରେ ଏଇ ତିନିଶହ ତେସ୍ତରି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଘରେ ତିନି ଅଛି ତ ତିନିରୁ ଏକ ଗଲେ କେତେ ହେବ ତିନିରୁ ଏକ ଗଲେ ଦୁଇ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଭଳି ଧାର ଆଣି ଫେଣାଣ ଫଳ ବାହାର କରିବ ବା ବିୟୋଗ ଫଳ ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପଇଁଚାଳିଶ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତେଇଶ ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିୟୋଗ କରିବା ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିୟୋଗ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଠାରେ ଓହ୍ଲାଇଦେଲି ପଇଁଚାଳିଶ ତାପରେ ଦେଖ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା ତ
तापरे तेईस को ओल्लाई दबा एटा गोटे धाड़ी रहिला एबे एभली समान चिन्ह दे दबा एबे आमे पैंचाश रु तेईस वियोग करिबा तो आमर प्रथम सोपान कौन एकक घर अंकर फेरण करिबा तो आमे प्रथमे एकक घर अंक मानकर फेरण कर दबा एठारे केते अछि पैंचाश रो एकक घरे पांच अछि तापरे फेड़ा जाउथिबा संख्या तेईस तेईस रो एकक घरे केते अछि तीन अछि तो आमे पांच रु तीन देखो एकक घर रो अंकर फेरण करदेबा पांच रु तीन गले केते हेबो पांच रु तीन गले दुई तो ये डाहाण पटे लिखिदबा दुई तापर देख पैंचाश रो दशक घरे केते अछि चार तो यही फेड़ा जाउथिबा संख्यार दशक घरे दुई अछि एबे द्वितीय सोपान रे कौन करिबा आमे दशक घर अंकर वियोग करदेबा चारि रु दुई गले दुई वियोगफल केते हला बाईश तो ये भली भावे आमे धाड़ी प्रणाली रे वियोग करी थाउ बुझी हला एबे आसो आमे अठसठी को पैंचाश रे वियोग करिबा तो केते अठसठी को धाड़ी प्रणाली रे वियोग करिबा अठसठ वियोग पैंचाश समान वियोगफल केते हेबो प्रथम सोपान रे कौन कही एकक घर अंक मानकर एकक घर अंकर फेलाण करदेबा आठ रु पांच गले तीन तापर देख दश घर द्वितीय सोपान रे दस घर अंकर वियोग करिबा तो छ रु चारि गले केते हेबो छ रु चारि गले दुई एई भली भाबरे आमे धाड़ी प्रणाली रे वियोग करि पारिबा अठसठ रु पैंचाश वियोग कला परे वियोग फल केते हला तेईस तो एबे आसो साठिए को साठिए रे तीस वियोग करिबा साठिए रे केते वियोग करिबा तीस धाड़ी प्रणाली रे साठिए वियोग तीस समान केते हेबो वियोग फल करदेबा एकक घर अंक मानकर वियोग प्रथमे करदेबा एठारे देख एकक घर अंक शून अछि साठिए रे तापरे फेड़ा जाउथिबा संख्या तीस तीस रो एकक घरे शून अछि तो शून रु शून गले केते हुए शून हुए शून रु शून गले शून हुए मन रखिथा तापरे दशक घर अंक मानकर दशक घर अंकर वियोग करदेबा छ रु तीन गले केते हेबो तीन तमे मने मने हिसाब करी फेराण करिबा शिखिब मने मने हिसाब करी फेराण करी शिखि जानिले सहज रे हिथाए शीघ्र होइथाए बुझी पारिलो तो एबे आसो अनेसत रे पैंसठ वियोग करिबा अनेसत रे पैंसठ वियोग करिबा अनेसत वियोग पैंसठ समान केते हेबो प्रथमे प्रथम सोपान रे कौन कहितिलि मु एकक घर अंक मानकर वियोग करदेबा द्वितीय सोपान रे
दशक घर अंकर वियोग करदे तो प्रथम आम एकक घर अंकर वियोग करदे देख अनेशतरे एकक घरे न अच्छी फेड़ जा संख्या पैंसठ फेड़ु कि ना तो यही पैंसठ एक घरे पांच अच्छी तो नौ पांच गले के नौ पांच गले चार से भली तुम्हें मने मने हिसाब करी फेणाण कर तो ये देख दशक घर अंकर वियोग करदे नौ छ गले के नौ छ गले तीन तो ये भली तुम्हें पिला माने धाड़ी प्रणाली रे वियोग कर जानी हला तो एबे तुमको केतोटी प्रश्न दौचे तो देख पिला माने एटा तुम्हें काम तुम्हें यहाँ दिया हला तुम्हें प्रश्न एक को देख वियोग करी उत्तर लेख एटा तुम्हें निजे करिबो तीस वियोग तेईस समान केते एटा वियोग करी उत्तर लिखिबो पांचशह बाईस वियोग पैंचाश तापर देख पांचशह तेईस वियोग एकशह बार एपटे देख तीन शह पंचस्तरी वियोग एकशह सैंतीस तापर देख एकशह सतचालीस वियोग एकशह अठाईस तापर देख पांचशह अठस्तरी वियोग एकशह अणस्तरी एटा वियोग करी सब उत्तर मान कर प्रश्न दुई को जीवा धाड़ी प्रणाली रे वियोग करी शून्य स्थान पूरण कर छयाशी वियोग चौवन समान केते शून्य स्थान रे तुम्हें लेखिब वियोग फल को तापरे पैंचाश वियोग बतीस समान लेखिब खाली स्थान रे पैंचाश जोग बतीस समान तार वियोग फल केते लेखिब एठारे तापरे पैंसठ वियोग छपन समान केते सेटा लेखिब एकशह अठचालीस वियोग पैंतीस समान केते लेखिब सेटा तुम्हें निजे करिब एटा तापरे पांचशह वियोग चौवन एटा तार वियोग फल माने केते हेबो लेखिब आमे आउ गोटे क्लास रे वियोगर धारा गणित पढ़िबा तो आजर क्लास को एठारे रखुची धन्यवाद।